फाइनेंस और पंचायती राज की बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पंचायती राज को पैसा कहां से मिलता है और क्यों पंचायती राज सिस्टम प्रॉपर तरीके से इंडिया में काम नहीं कर पा रहा है इन तीनों टॉपिक्स को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक करके शुरू करते हैं देखिए भैया सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू पार्ट नाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी प्रोविजन में सबसे पहले क्या आता है कि भैया आपको ग्राम सभा तो ऑर्गेनाइज करनी ही है विलेजेस में या ग्रुप ऑफ विलेज में तो किसी एक विलेज में अगर बहुत कम आबादी है तो वहां पे आप तीन चार विलेजेस को मिला के एक ग्राम सभा बना सकते हो ग्राम सभा में कौन कौन होगा मैं आपको पहले बता चुका हूं पंचायत को चुनने के लिए जो लोग भी एलिजिबल हैं अपनी एज से वोट डालने के लिए उनका नाम होगा इलेक्टोरल रोल पे तो पंचायत की वोटिंग में कौन वोट डालेगा इसके इलेक्टोरल रोल को कौन बनाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन उस इलेक्टोरल रोल पे उस पंचायत में वोट डालने के लिए जिन जिन का भी नाम है उन सब लोगों के ग्रुप को बोला जाता है ग्राम सभा तो ग्राम सभा तो बननी ही है ऑन ग्राउंड यह है कंपल्सरी प्रोविजन विलेज लेवल पे यानी ग्राम पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे जिसको पंचायत समिति ब्लॉक पंचायत और बहुत से नामों से बुलाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद इसको और भी बहुत सारे नामों से बुलाते हो तो तीनों लेवल पे पंचायत बननी बननी है हालांकि वो स्टेट्स जहां पे 20 लाख से कम की आबादी है वहां पर इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत को आप स्किप कर सकते हो फिर भैया चाहे विलेज लेवल की पंचायत हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत हो उसकी सारी सीट्स के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे यानी लोग सीधे सीधे वोट डाल के इन पंचायत में आने वाले मेंबर्स को चुनेंगे तो ऑल सीट्स इन पंचायत वेदर इट इज विलेज लेवल वेदर इट इज इंटरमीडिएट लेवल वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा उसके बाद अगर आप पंचायत के में पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन की बात करते हो तो जो ब्लॉक लेवल की पंचायत है जिसको आप इंटरमीडिएट पंचायत बोलते हो और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत है जिसको आप जिला पंचायत बोलते हो इनके जो चेयरपर्सन है ना इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा और ये नॉर्म है कंपल्सरी प्रोविजन के अंदर इनडायरेक्टली कौन इलेक्ट करेगा तो इस इंटरमीडिएट लेवल पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो अपने अंदर में से किसी एक को चेयरमैन बना देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद में जो पंचायत मेंबर्स हैं वो अपने अंदर से किसी को चेयरमैन बना देंगे तो चेयरमैन का सिलेक्शन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट तरीके से होगा विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों में मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होगा और आप बोलोगे कि भैया ग्राम पंचायत का चेयरमैन कैसे चुना जाएगा तो ग्राम पंचायत का चेयरमैन उस प्रोसेस के साथ हिसाब से चुना जाएगा जो प्रोसेस स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा अगर आपको कंटेस्ट करने हैं इलेक्शंस टू पंचायत तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए इक्कीस साल यानी अगर आप पंच बनना चाहते हैं पंचायत के मेंबर बनना चाहते हैं तो भैया आपको इक्कीस साल की मिनिमम उम्र होनी चाहिए याद रखिएगा पंचायत का मेंबर बनना है तो इक्कीस साल की एज लिमिट है वोट डालने के लिए इक्कीस साल की एज लिमिट नहीं है वोट डालने के लिए एज लिमिट कितनी है पता है आपको उसके बाद अगर बात की जाए छठे नंबर का पॉइंट कि भैया पॉइंटी में फॉर एस सी एस टी मेंबर्स, मेंबर्स पंचायत में तीनों लेवल्स पे रिजर्वेशन होगा चाहे वो मेंबर्स के लिए हो चाहे वो चेयरपर्सन के लिए तो मेंबर्स एस सी एस टी के लिए रिजर्वेशन है तीनों लेवल पे चाहे विलेज लेवल की बात की जाए इंटरमीडिएट लेवल की बात की जाए जिला लेवल की बात कीजिए फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है पांचवें नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में वोटिंग राइट्स ऑफ द पर्सन एंड अदर अ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखिए पंचायत में दोस्तों डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्टली भी अपॉइंट किया जाता है जैसे कि पिछली एक दो वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि शेड्यूल्ड एरियाज में जब पंचायत बनाई जाती है तो कभी कभी उन शेड्यूल्ड एरियाज में बिल्कुल ही अनरिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल ट्राइब जो कि इलेक्शन नहीं लड़ रही उनको इनडायरेक्टली उनका मेंबर बनाया जा सकता है तो चाहे आप एक पंचायत के डायरेक्ट मेंबर हो चाहे आप एक पंचायत के इनडायरेक्ट मेंबर हो आपके पास वोटिंग पावर रहेगी चाहे आप उस पंचायत के चेयरपर्सन हो तो भी आपके पास वोटिंग पावर रहेगी तो लोकसभा की तरह नहीं है कि लोकसभा का स्पीकर फर्स्ट टर्म में फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकता भाई यहां पे पंचायत का चेयरपर्सन भी किसी इशू पर अगर बातचीत चल रही है तो वोट डाल के अपना व्यू पॉइंट दे सकता है क्योंकि पंचायत में भी ये है ना कि भई अब ग्राम पंचायत चल रही है ग्राम पंचायत में बोला गया कि भैया वहां पे उसके खेत में एक मान लीजिए कोई हरबू नाम का किसान है उसके खेत में कुआं बनेगा तो अभी कुआं बनेगा कि नहीं बनेगा इसके लिए वोटिंग डाल रहे हैं पंच तो वहां पे चेयरपर्सन को भी अधिकार है वोट डालने का फिर भाई पंचायत में तीनों लेवल पे एक तिहाई सीटें थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट सीटें चाहे वो मेंबर्स की हो चाहे वो चेयरपर्सन की हो वुमेन्स के लिए रिजर्व है फिर भाई कंपल्सरी प्रोविजन में और क्या क्या चीजें आती हैं भाई तीनों लेवल्स पे जो पंचायत है उनका जो टेनओवर है वो पांच साल का होगा और मान लीजिए पंचायत खत्म होती सुपर सेशन होता है पंचायत का तो अगली पंचायत छ महीने के अंदर फ्रेश सिलेक्शन करके आनी चाहिए फिर भाई एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएंगे आप जो कि पंचायत के इलेक्शन को होल्ड करेगा और उसके साथ साथ एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा हर पांच साल पे जो कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ़ द को रिव्यू करेगा ये आते हैं भाई आपके कंपलसरी प्रोविजंस के अंदर वॉलंट्री प्रोविजंस की बात करते हैं वॉल्ट्री प्रोविजंस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आते हैं ग्राम सभा को कितनी ताकत देनी है ग्राम सभा देखिए ग्राम सभा क्या होती है मैंने आपको बता दिया जितने भी लोग इलेक्टोरल रोल्स में हैं ग्राम पंचायत में वोट डालने के लिए वो ग्राम सभा हो गए ग्राम सभा को विलेज लेवल पे क्या ताकत क्या फंक्शंस देने हैं ये डिसाइड करना स्टेट लेजिस्लेचर के डोमेन में आता है फिर विलेज पंचायत के चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा ये डिसाइड करने की ताकत भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है आपको पता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे जिला लेवल पे पंचायत समिति और जिला परिषद

ग्राम पंचायत की जो पंच हैं उनको या फिर ग्राम पंचायत की जो चेयरपर्सन है स्पेसिफिकली जो चेयरपर्सन से क्या उनको आप रिप्रेजेंटेशन दोगे जिला परिषद में या फिर उसके बाद इंटरमीडिएट पंचायत के जो चेयरपर्सन्स हैं क्या उनको जिला परिषद में या डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ये चीज़ें डिसाइड करना स्टेट लेजिस्लेचर के डोमेन में आता है वो चाहे तो रिप्रेजेंटेशन दे चाहे तो रिप्रेजेंटेशन ना दे फिर भैया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहे लोकसभा क्यों हों चाहे राज्यसभा के या चाहे स्टेट लेजिस्टलेचर में स्टेट लेजिस्टिव असेंबली क्यों हो चाहे काउंसिल हो विधानसभा हो विधान परिषद क्यों उनकी कॉन्स्टिटुएंसी के अंदर जो भी पंचायत फाइल करती है मतलब उनकी कॉन्स्टिट्युएसी के अंदर जो भी पंचायत है अभी देखिए एक कॉन्स्टिटुएंसी अगर बहुत बड़ी हुई तो हो सकता है उसके अंदर एक से ज्यादा ब्लॉक हो एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेजेस होते हैं तो बहुत सारी पंचायत यहाँ पे निकल आएंगी उन पंचायत के अंदर क्या इन स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा होगा तो वो ग्राउंड लेवल पे इन पंचायत की फंक्शनिंग को समझ पाएंगे और अपना जो स्टेट लेजिस्टिव असेंबली में काम है या पार्लियामेंट में काम है उसको और रिफाइन कर पाएंगे लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन देना किसके हाथ में है ये रिप्रेजेंटेशन देना स्टेट लेजिस्टेटिव दे असेंबली के हाथ में तो ये वॉलेंट्री प्रोविजन है जिनको ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं किया गया तिहत्तरवें संशोधन में तिहत्तरवें संशोधन में स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबली को ताकत दी गई है कि वो कुछ चीज़ें खुद भी कर सकते हैं फिर भाई मेंबर्स और चेयरपर्सनस पंचायत में एस सी एस टी का रिजर्वेशन तो है बट बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है ना देना है ये भी आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के डोमेन में आता है उसके बाद क्या बताया जा रहा है ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटीज टू द पंचायत टू नेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत को आप इतनी पावर ऑफ अथॉरिटी दो कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके ठीक है उसके बाद डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी टू प्रपेयर प्लान फॉर इकनॉमिक डेवलप एंड सोशल जस्टिस यानी कि आप इन पंचायत को इतनी ताकत दे रहे हो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान बना सकते हैं सोशल जस्टिस के प्लान बना सकते हैं या फिर वो उनतीस फंक्शन थे जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अलवेंथ शेड्यूल के अंदर बताए थे उनको इम्प्लीमेंट कर सकें अभी ये ताकत देनी है या नहीं देनी है ये स्टेट लेजिस्टिव असेंबली डिसाइड करेगी ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम जेनवनली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये स्टेट की लेजिस्टिव असेंबली डिसाइड करेगी तो बहुत सारी ताकतें स्टेट लेजिलेटिव असेंबली को देखे रखी गई फिर पंचायत को कितना पैसा देना है पंचायत को कौन कौन से टैक्स कलेक्ट लेवी और अप्रोप्रिएट करने की ताकत देनी है ड्यूटी स्टॉक फीस कलेक्ट करने की ताकत देनी है यह भी भाई स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कितना देना है मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पंचायतों को कितना पैसा देना है ये तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी करेगी पंचायत के पास टैक्स कलेक्ट करने की कितनी ताकतें हैं यह भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और याद रखेगा तीन पंचायत है ग्राम पंचायत है इंटरमीडिएट पंचायत है जिला पंचायत है तीनों पंचायतों के पास अलग अलग टैक्स को वसूलने की ताकत है समझ गया ना अब वो कितना कहां पे कौन सा टैक्स वसूलने की ताकत है स्टेट टू स्टेट डिफर करता है ओके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ग्रांट निकाल के कितना पैसा इन पंचायत को देना है यह भी कौन स्टेट लेस्टी असेंबली डिसाइड करेगा अलग से एक फंड बनाना है क्या इन पंचायत को पैसा देने के लिए यह भी स्टेट लेस्टी असेंबली डिसाइड करेगा ओके तो यह सब चीजें हैं दोस्तों यहां पे अब हम लोग एंट्री मारते हैं पे ऑफ पंचायती राज सिस्टम पे सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005 से लेकर 2009 फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कब आया था उसका सार नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने यह बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या हैं तो अब अगर अब बात की जाए तो भाई पार्ट नाइन जो है हमारे संविधान का सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो आया उसने भाई कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टेंस थी पंचायती राज की उसको बना तो दिया तो मतलब अब पंचायती राज बना ही रहेगा लेकिन पंचायती राज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए पैसा चाहिए पैसे के लिए क्या किया जाएगा पंचायती राज में तो भैया ये बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स आएंगे किसके पास लोकल बॉडीज के लिए लोकल बॉडी में पंचायत भी है आर्टिकल 280 के अंदर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन बनाया गया ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हर साल अपनी हर साल तो नहीं मतलब पाँच साल के लिए अपनी रिकमेंडेशन देता है और उस रिकमेंडेशन के हिसाब से प्री फिक्स क्राइटेरिया के हिसाब से समय समय पे पैसे भेजे जाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के पास भी और रूरल लोकल बॉडीज के पास भी और रूरल लोकल बॉडीज में क्या आती है? आपकी आती हैं हैं आपकी ओके तो एक तो ये सोर्स आ गया दूसरा अंडर आर्टिकल आर्टिकल टू आई स्टेट फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंडेशन देगा कि स्टेट गवर्नमेंट किस हिसाब से पैसा भेजेगा किसके पास अर्बन ये रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज के पास स्टेट गवर्नमेंट से समय समय पर लोन भी मिलेगा इन पंचायती राज को और ग्रांट इन एड भी मिलेंगे ओके okay. फिर भाई प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन आता है तो देखिए बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती हैं फिर कभी कभी सेंट्रल असिस्टेंस आ जाती एक है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बना रखी है या मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम बना रखी है अभी उसको लोकल लेवल पर इंप्लीमेंट करना है तो पैसा भी तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ही भेजेगी तो वो पैसा आता है इन पंचायत के पास और कुछ इंटरनल रिसोर्स जनरेशन है यानी ये पंचायत अपना टैक्स लगा के या कुछ नॉन टैक्स स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगा के अपना पैसा बना लेती है अब यहाँ पे आपको समझना होगा पंचायत की तीन अलग लेवल है ग्राम पंचायत है एक इंटरमीडिएट पंचायत है जिला परिषद है तीनों अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं इस बात को हमेशा याद रखना अब इंडिया में अगर पंचायती राज सिस्टम की फंक्शनिंग की बात की जाए तो देखिए फिजिकल इंपावरमेंट उतना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हुआ नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास खुद के पैसे हैं नहीं और राज्य की सरकारों के पास ऑलरेडी पैसों की बहुत कमी होती है तो वो ज्यादा पैसे देना नहीं चाहते पंचायती राज को केरला कर्नाटका और तमिलनाडु तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट ने जेनवनली कोशिश की है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया जाए लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट ग्रांट पे बहुत हद तक डिपेंडमेंट है तो कहीं ना कहीं पंचायती राज के फाइनेंसेस की बात की जाए तो जो इंटरनल रिसोर्स जनरेशन है पंचायत लेवल के पास जो खुद का पैसा है वो बहुत कम है उसके बाद पंचायत के पास जो टैक्स लगाने की काबिलियत है वो बहुत लिमिटेड है पंचायत खुद भी कुछ कुछ केसेस में रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करना चाहती चूंकि जिम्मेदारी का काम है तो पंचायत बहुत हद तक यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली जो पैसा आ रहा है उस पर डिपेंडेंट है उसके बाद पैसे को किस प्रकार से खर्च करना है इसमें भी पंचायत के पास ज्यादा ताकत नहीं है तो ज्यादातर स्कीम्स यूनियन गवर्नमेंट चलाती है बची कुछ स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी चलाई हुई स्कीम के लिए पहले से ही अलॉटेड पैसा भेजती है और वो पैसा इन पंचायत को स्कीम में खत्म करना है तो इन पंचायत के पास अपना डिस्क्रिप्शन नहीं है कि भाई कोई अगर इन पंचायत को लगे कि लोकल चीज करी जाए तो उससे फायदा होगा इसका डिस्क्रिप्शन और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इन पंचायत के पास ओके और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद ही पैसा कम है तो जब उनके पास खुद ही पैसा कम है तो वो देना भी नहीं चाहते हैं पैसा किसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अब अगर आप बात करो इलेवेंथ शेड्यूल में मैंने आपको उन्तीस मैटर्स बताए थे पिछली वीडियो में उसमें से अगर प्राइमरी एजुकेशन हेल्थ केयर वाटर सप्लाई सैनिटेशन माइनर इरिगेशन की बात करिए तो इन सब चीजों में तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाती है स्टेट गवर्मेंट इनके ऊपर खर्चा करती है तो पंचायत की इन फील्ड में तो सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ही नहीं रही है पंचायत के पास जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत कम है तो कहीं ना कहीं इतने कम रिसोर्सेज है पंचायत के पास कि अगर वो सही तरीके से काम करना चाहें तो भी काम नहीं कर सकते हैं ज्यादातर पैसा जो पंचायतों के पास आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं उसका खुद का जो रिसोर्स जनरेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वो निगलेजिबल है ठीक है अब बात यह है कि अगर पंचायती राज सिस्टम को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो उनको काबिलियत देनी पड़ेगी कि वो खुद पैसा इकट्ठा कर पाए क्योंकि जब वो खुद पैसा इकट्ठा करेंगी तो लोग उनको टैक्स दे रहे होंगे लोग उनको अगर पैसा देंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे तब वो रियल में एक ऐसी बॉडी बनेगी विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द पीपल वो एक ऐसी बॉडी बनेगी जो लोगों को सीधे रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों को अकाउंटेबल होगी लोग पूछेंगे कि भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं कहां गया हमारा पैसा ओके अब अगर आप पंचायत की की तीन बात करो तो भाई ग्राम पंचायत इंटरमीडिएट पंचायत जिला पंचायत ग्राम पंचायत इंटरमीडिएट पंचायत जिला पंचायत में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने की जो ताकत है वो ग्राम पंचायत के पास है ग्राम पंचायत सबसे ज्यादा बेसिक पे काम करते हैं सबसे ज्यादा नीचे लेवल पर काम करते हैं और ग्राम पंचायत के पास ही सबसे ज्यादा टैक्स लगाने की ताकत है जो इंटरमीडिएट ये पंचायत है जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उनके पास बहुत कम टैक्सेस लगाने की ताकत है तो गोवा में फेरी सर्विसेज हैं तो वहां पे इंटरमीडिएट या फिर जिला पंचायत टैक्स लगा सकती है मार्केट में कोई छोटा मोटा टैक्स है ठीक है स्टैंप ड्यूटी हो गई वेहकल्स का रजिस्ट्रेशन हो गया तो इस तरीके के जो टैक्सेस होते हैं वो इंटरमीडिएट या जिला पंचायत के पास जाते हैं मेन टैक्सेस वो ग्राम पंचायत ही लगा सकती है ओके तो ये सब बातें दूली गई है अगर विलेज पंचायत की बात करें तो विलेज पंचायत के पास बहुत नाना प्रकार के टैक्सेस आते हैं जिसमें भैया प्रॉपर्टी हाउस टैक्स लैंड टैक्स फिर प्रोफेशन टैक्स भी आ जाता है टैक्सेस टॉल्स ऑन व्हीकल्स इंटरटेनमेंट टैक्स लाइसेंस फीस नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर टैक्स कैटल के रजिस्ट्रेशन पे टैक्स सैनिटेशन ड्रेनेज के लिए टैक्स वाटर का रेट फिर एजुकेशन सेस फेयर्स और फेस्टिवल्स जो कि लोकल लेवल पर गाँव में मनाए जाते हैं वहाँ पर टैक्स तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हैं ओके okay. तो बेसिकली टैक्सेशन की मैक्सिमम पावर ग्राम पंचायत के पास है जो आपकी जिला और इंटरमीडिएट लेवल पंचायत काम करती हैं उनके पास ज़्यादा ताकत है नहीं फिर आगे अगर हम लोग बात करें रीजन फॉर इन एफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भले ही इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया तिहत्तरवें संशोधन उन्नीस सौ बानवे के थ्रू उसके बाद भी इनकी जो फंक्शनिंग है किसकी इन विलेज पंचायत की इंटरमीडिएट पंचायत की जिला लेवल पंचायत की वो प्रॉपर है नहीं उसके कुछ वजह हैं पहली वजह यहाँ पर बताई जा रही है लैक ऑफ एडिक्वेट डेवल्यूशन इनके पास ना ही फंड आए हैं ही फंक्शन आए ना ही फंक्शनरी आए थ्री एफ नहीं इनको ना ही इनको पैसा दिया गया इनको काम करने के लिए दिया गया और ना ही काम करने वाले लोग दिए गए ओके तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें आपको पंचायत को अवेलेबल करानी पड़ेंगी अगर इनको सही तरीके से काम कराना है तो ओके okay. अब बहुत सारे स्टेट फाइनेंस ने ये थ्री एफ एवेलेबल करवाने के लिए बहुत से रिकमेंडेशन दिए हैं बट कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेशन ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हुआ है फिर बात करते हैं किसकी एक्सेसिव कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी की कुछ स्टेट्स में अगर आप देखो तो जो ग्राम पंचायत है ना दोस्तों उनको इतनी पावर नहीं दी गई है अगर आप बात करो तो जो ग्राम पंचायत के जो पंच होते हैं उनको ब्लॉक ऑफिस जाना पड़ता है ब्लॉक ऑफिस में बीडीओ बैठता है अब होता यह है कि ग्राउंड लेवल पे जो पैसा आ रहा है ना वो खरारकी के थ्रू आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अप्रूवल देगा एस के साइन से होता होता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से होता होता वो फंड उस पर्टिकुलर गांव में पहुंचेगा अब ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कुछ स्टेट्स ने बहुत आसानी से पैसों की अवेलेबिलिटी करवा दी है अपनी पंचायत को कुछ स्टेट्स ने बहुत सारे लेवल बना रखे हैं तो कई के जगह पे तो क्या होता है कि वो जो विलेज का पंच है जो ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कई दिन तक अर्जी डालते रहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में कि भैया हमारा पैसा रिलीज कर दो हमारा पैसा रिलीज कर दो तो इससे जो ग्राम पंचायत की ताकत है ना डिग्निटी है ना वो कम होती है फिर यहाँ पे एक और रीजन बताया गया टाइड नेचर ऑफ फंड्स टाइड नेचर ऑफ फंड्स मतलब कि भैया देखिए जो फंड आ रहा है ऊपर से वो किसी एक एक स्कीम स्कीम को एलोकेटेड है अब का इंप्लीमेंटेशन वहां की लोकल कंडीशंस के हिसाब से भी होता है तो मान लीजिए कोई स्कीम बनाई गई ठीक है गरीब अन्न कल्याण योजना करके कोई भी स्कीम बनाई गई एक्स वाई जेड अब उस स्कीम की जरूरत किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा होगी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कम होगी किसी एक गाँव में ज्यादा होगी किसी एक गाँव में कम होगी तो अगर आप एक प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं करेंगे प्रॉपर रिक्वायरमेंट की नोटशीट नहीं बना के पैसा लोकेट करेंगे तो होगा ये कि ग्राउंड लेवल पे जिस चीज के लिए वो पैसा पहुंचेगा वो चीज वहां पे होगी ही नहीं तो फालतू की स्पेंडिंग होगी और करप्शन भी होगा तो जो टाइड नेचर ऑफ फंड है ना वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल की पंचायत है वो बहुत ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट फंडिंग पे मतलब उनका काम तब चलेगा जब सरकार की तरफ से पैसा आएगा सरकार की तरफ से पैसा नहीं आएगा उनका काम ही नहीं चलेगा ओके okay, उनके पास खुद का कोई फंड है नहीं अब बात की जाए रिलेक्टेंस टू यूज फिजिकल पावर देखिए एक ग्राम पंचायत के पास और उनके पंचों के पास ताकत होती है कि वो टैक्स लगा सकते हैं प्रॉपर्टी पे बिजनेस पे मार्केट्स पे फेयर्स पे दूसरी चीजों पे जैसे स्ट्रीट लाइटिंग पे पब्लिक टॉयलेट्स पे लेकिन अब आप सोचिए एक ग्राम का पंच बाकी जो पंच है वो उस गाँव में रह रहे हैं उस गाँव में उस गाँव के लोगों के बीच रह रहे हैं उस गाँव में रह के वो उस गाँव के लोगों के बीच में रहकर क्या उनसे पैसा ले पाएंगे और मान लो वो अपनी फिजिकल पावर का प्रयोग करके टैक्स को कलेक्ट करते भी हैं तो क्या अगली बार इलेक्शन में जीत पाएंगे क्योंकि पैसा तो कोई अपनी जेब से निकालना नहीं चाहता गांव की तो हालत वैसे ही खराब है गाँव के लोग छोड़ छोड़ के गाँव शहर भाग रहे हैं नौकरी करने के लिए ये जितने भी आपको मैनुअल लेबर दिखते हैं माइग्रेंट क्राइसिस जो हुई थी ये कहाँ से आए रूरल इलाकों से तो आए हैं झारखंड आपके झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान बिहार यूपी जैसे स्टेट से तो वहां पे गांव वालों से पैसा निकालना भी एक पंच के लिए मुश्किल काम है वो बोलेंगे कि हम कैसे इनके ऊपर टैक्स लगा दे पंच हम इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे ये हमसे लड़ने लगेंगे और अगली बार हमको वोट नहीं देंगे तो यहाँ पे भी वोट बैंड पॉलिटिक्स हो गई कि भैया एक लिमिट से ज्यादा पैसा मांगोगे तो अगली बार चुने ही नहीं जाओगे ओके फिर हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ ग्राम सभा की ग्राम सभा क्या होता है मैं अब तक दो बार बता चुका हूं इसी वीडियो में आपको ग्राम सभा एक बहुत पावरफुल वेपन है ग्राम सभा पंचों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकता है कि आप ये काम करो और ग्राम सभा के अंदर अगर पंच के सामने मान लीजिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो पंच बोल सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ के लिए इतना पैसा नहीं है तो अगर आप लोग टैक्स दे इतना पैसा इकट्ठा करते हो तो यहाँ यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी अकाउंटेबिलिटी आएगी और लोगों को भी ये समझ में आएगा कि अरे भाई अगर हम पैसा देंगे तो हमारा ही भला है और यहाँ पे जो मार्जनालाइज सेक्शन है जो गाँव के सबसे वेलरेबल सेक्शन है उनकी तरफ भी ध्यान जाएगा वो भी ऑब्वियस ही बात है पार्टिसिपेट करेंगे ग्राम सभा की प्रोसीडिंग्स में तो उनको भी चीजें करने को मिलेंगी बट कहीं ना कहीं ग्राम सभा का काम और ग्राम सभा की ताकतें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की हैं कई कई स्टेट्स में जो स्टेट के एक्ट हैं वो ग्राम सभा को ज्यादा ताकत देते नहीं है ओके okay. ग्राम सभा को जितनी ताकत होगी उतना ही जो विलेज लेवल की पंचायत होंगी वो स्ट्रांग होगी फिर भैया बात करते हैं क्रिएशन ऑफ पैरल बॉडीज कभी कभी ये पैरल बॉडीज क्रिएट की जाती हैं ताकि स्पीडी इंप्लीमेंटेशन और ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी हो ग्राम सभा की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बट ये जो पैरल बॉडीज कभी कभी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पैरल खड़ी कर देती हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ही काम को बंद कर देती हैं और ये पैरल बॉडीज बहुत तरीके से बनाई जा सकती हैं इवन एस डी एम के उन्हें ऑर्डर इशू कर दिया या डीएम ने ऑर्डर इशू कर दिया कि हम ये पैरल सोशल ऑडिट का डिपार्टमेंट बना रहे हैं जो आपके काम को देखेगा तो भैया उसने काम को देखना तो छोड़ो उसने इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल की पंचायत का और विलेज पंचायत का काम ही बंद कर दिया यह भी एक बड़ी चीज है फिर बात करते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो पंचायत सेक्रेटरी होता है आपने अगर ये पंचायत सीरियल देखा हो तो वहां पर पंचायत सेक्रेटरी बन के गया था वो लड़का जिसने जिसने देखा है पंचायत सीरियल तो अब बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायत हैं इंडिया में जहां पे कोई फुल टाइम ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है ही नहीं ये पंचायत सेक्रेटरी बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो ब्लॉक लेवल यानी बीडीओ के बीच में और जो ग्राउंड लेवल पे गांव में जो सरपंच है उसके बीच में जो सबसे तगड़ा कनेक्टिंग लिंक है ना वो सेक्रेटरी है ये सेक्रेटरी समय समय पे ग्राम पंचायती की मीटिंग को बुलाएगा ये यह समय पे ग्राम पंचायत को याद दिलाएगा कि आपको ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए बेसिक ऑफिस बिल्डिंग नहीं है ग्राम पंचायत की तो सेक्रेटरी ऊपर बताएगा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक ऑफिस बिल्डिंग्स फिर प्लानिंग के लिए डाटा बेस बेसिक फंड ये सब चीज़ें भी नहीं है तो भाई ग्राम पंचायत की अगर मीटिंग करानी है प्रॉपर पंचायत ऑफिस पंचों का बनाना है तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा ना वो भी नहीं है फिर भैया जो लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में खासकर विलेज पंचायत में इलेक्ट होकर रूल कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है उनको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है ना रोल पता है कहीं कहीं पे जहां पे सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं तो वुमेन नाम के लिए तो पंच बन गई हैं बट उनके बुहाव पे राज कौन कर रहा है तो उनके पति देव राज कर रहे हैं तो इस तरीके की चीजें यहां पे दोस्तों चल रही हैं अब यहां पर यह बोला गया है कि भैया डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट पंचायत को हम लोग कंप्यूटर से जोड़ेंगे ठीक है तो अब ये बोला गया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट से कंप्यूटर से जोड़ दिया गया लेकिन अभी भी बहुत सारी ग्राम पंचायत में कंप्यूटर पहुंचा ही नहीं है ऐसा बोला जा रहा है जो कि लक्ष्मीकांत की किताब में लिखा हुआ है कि केवल 20 परसेंट जो ग्राम पंचायत है इंडिया में केवल वहीं पे कंप्यूटर पहुंचा है इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सेमी अर्बन और अर्बन इलाकों में पहुंच जाते हैं तो वहां पे तो इंटरनेट और कंप्यूटर कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है बट ग्राम पंचायत तक इंटर कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी पहुंची ही नहीं है किसी भी प्रकार की कंप्यूटिंग फैसिलिटी विलेज पंचायत के पास अभी नहीं है जहां पे है भी वो बहुत इनफेक्टिव है कुछ कुछ जगहों पर ही है ज्यादातर जगहों पे नहीं है तो ये सब था दोस्तों पंचायती राज के बारे में जितना डिटेल में मैं आपको समझा चुका था समझा सकता था समझा दिया अगले में हम लोग की बात करेंगे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों काफी मेहनत लग रही बनाने में थैंक यू फॉर वॉचिंग हर ग्रेड